भारतीय जनता पार्टी द्वारा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए बिलासपुर के घुमारवी में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल विशेष तौर पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी को सशक्त बनाने व आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मिशन रिपीट के लिए चुनावी टिप्स दिए। प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश में 2022 में भाजपा की सरकार रिपीट कर इतिहास रचेगी। उन्होंने कृषि कानून को लेकर कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों के प्रदर्शन पर भी निशाना साधा। 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के जरिए अपडेट रहने व सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की प्रमुख जानकारियां दी हैं, ताकि 2022 में भाजपा सरकार अपना मिशन रिपीट का सपना साकार कर सके। इसी के मद्देनजर बिलासपुर के घुमारवी में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 17 विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा कार्यकर्ताओं, नेताओं और विधायकों को प्रशिक्षित करने के लिए 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के समापन अवसर पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, हिमाचल के 6ठे वित्त आयोग के चेयरमैन सतपाल सत्ती और भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल सहित मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा मौजूद रहे। प्रशिक्षण शिविर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं व नीतियों के प्रति सजग रहने और विधानसभा चुनाव में सशक्तता से काम करने के लिए इन शिविरों के माध्यम से अपडेट करने का काम किया जाता है, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं सहित महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, आईटी सेल व किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया है। प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में भी बेहतरीन कार्य किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार के बेहतरीन कार्यों की वजह से देश विश्व गुरु के रूप में उभर रहा है, जिसे देखते हुए उन्हें पूरा विश्वास है कि 2022 में भाजपा की सरकार रिपीट करेगी और प्रदेश में एक नया इतिहास रचेगी। भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रशिक्षण शिविर होता है और फिर संसदीय क्षेत्र स्तर पर और मंडल स्तर पर लगातार कार्यकर्ताओं को प्रयास किया जाता है कि वो अपडेट रहें, नवीनतम जानकारी उनके पास हो और हर समस्या का समाधान करने के लिए तैयार हो। पार्टी के प्रति उनकी आस्था बनी रहे, पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी रहे और अधिक से अधिक लोगों तक पार्टी नेतृत्व के विचारों को पहुंचा सके, इसलिए प्रशिक्षण लगातार किए जाते हैं। जैसे आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो गड़बी तो वही होती है, लेकिन रोज़ मांझते हैं, फ्रेश लगती है। ऐसे हमारा कार्यकर्ता फ्रेश रहे, ताज़ा तर रहे, ऐसा प्रयास किया जाता है इन अभ्यास वर्गों के माध्यम से। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर और प्रादेशिक स्तर पर हमारी दोनों सरकारों ने शानदार काम किया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया भर के लोग अचंभित हैं कि भारत किस तरह आगे तेजी से बढ़ रहा है। भारत की आर्थिक स्थिति सुधर रही है और कोरोना का जिस तरह मुकाबला भारत ने किया, उससे और भी लोग प्रभावित हुए हैं। प्रदेश में भी शानदार योजनाएं जयराम जी लाए हैं, विकास की गति तेज हुई है। हमें पूर्ण विश्वास है 2022 में जो पार्टी ने नारा दिया है मिशन रिपीट फिर दोहराएंगे। पहले हम गठबंधन में सरकारें बनाया करते थे, फिर विशुद्ध तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई। इस बार का जो चुनाव होगा उसमें हम रिपीट करेंगे। पहली बार हुआ कि लगातार दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।